अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेगरेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है क्लब डिनो एप्रिशियो 1 बाय अरमफ। 55 ml का जूस है इसमें और एक्सट्रेटी परफ्यूम कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के खूबसूरत से बॉक्स और पैकिंग में आती है और इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बहुत पहले शेयर कर चुका हूँ। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंडरवर्ल्ड किस टाइप की है। अरमफ एक यूएई बेस्ड बहुत ही फेमस फ्रेगरेंस हाउस है जिसे 2010 में स्टर्लिंग परफ्यूम्स ने लॉन्च किया था और ये हाउस दावा करता है कि लग्जरी फ्रेगरेंसेस अफोर्डेबल प्राइसेस में बनाते हैं। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को भी अरमफ कहते हैं, किसी चीज के पीछे भागने या उसे हासिल करने को भी अरमफ कहते हैं। और प्रिशियो एक फ्रेंच वर्ड है जिसे फ्रेंच में पिखेसियो और इंग्लिश में प्रिशियो प्रोनाउंस किया जाता है जिसका मतलब होता है प्रेशियस, वैल्यूएबल या नायाब। सो इस एक्सटर्नल बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक प्रीमियम सी रबर रैपिंग और मजीद उसके अंदर एक प्लास्टिक का बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर एक लग्जूरियस वेलकम नोट और कुछ खूबसूरत अल्फाज में इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इस फ्रेग्रेंस बॉटल को साफ या स्क्रैचलेस रखने के लिए एक सॉफ्ट फाइबर क्लॉथ भी दिया गया है। ओके, सो हियर इज द बॉटल। बॉटल की लुक्स को क्लब डिनो सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए बनाया गया है, मगर 55 ml होने की वजह से ये 3 गुना स्लिम है। बॉटल को काफी लग्जूरियस और डिटेलिंग के साथ बनाया गया है। बॉटल के दोनों साइड्स पर खूबसूरत पैटर्न है। बॉटल की नेक पर एक मेटल टैग है जिस पर एक तरफ क्लब डिनो और दूसरी तरफ अरमफ मेंशन है। बॉटल के बॉटम पर बैच, प्रोडक्शन डेट, मेड इन यूएई और एक स्टिकर जिस पर अरमफ का लोगो, एक्सट्रेट परफॉर्म और 55 ml क्वांटिटी मेंशन है। इसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक लाइट टू नॉर्मल वेट मेटल का कैप है इसका जो कि फील करने पर स्टील का लगता है और कैप के टॉप पर अरमफ का लोगो है। कैप अच्छे से फिक्स होती है मगर कैप की मदद से आप बॉटल को नहीं उठा सकते। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेगरेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और मैंने अब तक इस हाउस की काफी फ्रेगरेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं जो कि आपको इस चैनल पर अरमफ की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की और भी फ्रेगरेंसेस के रिव्यू शेयर करूंगा जो कि आपको इस चैनल पर इसी अरमफ की एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में पाइनएप्पल, लेमन, कैरमल, पियर, बर्गमॉट, पिंक पेपर और ब्लैक पेपर है। मिडिल नोट्स में व्हाइटवुड, ऑकमॉस, एनीस, जैस्मिन और लिली ऑफ द वैली है और बेस नोट्स में एम्ब्रॉक्सन, वेनिला, लेदर, व्हाइट मस्क, एम्बर, सिडर और पचूली है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको फ्रेश और सिट्रसी बिटर बर्गमॉट और लेमन के नोट के साथ ब्लैक और पिंक पेपर और मामूली से पाइनएप्पल के नोट्स फील होंगे। 4 से 5 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा इंटेंस, स्वीट, स्मोकी और फ्रूटी हो जाती है। और इस फेज में आपको मामूली से लेमन के नोट के साथ एक प्रोमिनेंट स्वीट कैरेमल नोट, स्पाइसी पिंक पेपर, जैस्मिन और वुडी नोट्स के साथ एक स्मोकी पाइनएप्पल का नोट फील होगा। 2 से 3 घंटों के बाद जब इसका ड्राइडाउन स्टार्ट होगा तो अपने ड्राइडाउन आने तक ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी वार्म हो जाती है और इसके ड्राइडाउन आने तक आपको एक स्मोकी पाइनएप्पल के नोट के साथ पचूली, स्ट्रॉन्ग ऑकमॉस, वुडी नोट, लेदर और मस्की नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेगरेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, स्मोकी, स्वीट, स्पाइसी, थोड़ी सी डार्क और वुडी फ्रेगरेंस है। इस फ्रेगरेंस को लेकर अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूं तो फिलहाल तो ये फ्रेगरेंस मेरी टॉप पिक्स में से एक है, मगर यहाँ मैं सिर्फ अपना नजरिया लेकर नहीं आता कि जो फ्रेगरेंस मुझे पसंद हो और जस्टिफाइड लगे वो आप सब पर भी थोप दूं। सो इसीलिए हमेशा यही कोशिश करता हूं कि ओवरऑल ऑडियंस, एंड यूजर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स को फोकस करके रिव्यू शेयर कर सकूं। इस फ्रेगरेंस के मुझसे बहुत पहले और बेहतर रिव्यूज यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद हैं और इस फ्रेगरेंस में भी सिवाय एक प्राइस फैक्टर के कोई भी फ्लॉ या कमी नहीं मिलती। और ये फ्रेगरेंस जब रिलीज हुई थी तो उस वक्त इसकी प्राइस काफी हाई और अनजस्टिफाइड थी, मगर वक्त के साथ इसकी भी प्राइस को थोड़ी सी करेक्शन लग चुकी है। मगर अभी तक ये एक एक्सपेंसिव फ्रेगरेंसेस की कैटेगरी में आती है और उसकी वजह इसकी अननेसेसरी डिटेलिंग और प्रेजेंटेशन है। मगर वहीं अगर इसकी खुशबू की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि एक आउटस्टैंडिंग और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है, मगर फिर भी 55 ml के हिसाब से 10 में से 6 या 7 लोगों को ये फ्रेगरेंस अनजस्टिफाइड लगेगी। सो क्योंकि ये अरमफ की न्यू रिलीज है और अब तक मार्केट में इसके फर्स्ट और सेकंड बैच ही अवेलेबल है, जिसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि अब तक तो ये बहुत जबरदस्त प्रोजेक्शन और लास्टिंग दे रही है, मगर ये बताना बहुत मुश्किल है कि आगे चलकर प्राइस की कमी के साथ ये भी बाकी के क्लब डिनो फ्लैंकर्स की तरह रिफॉर्मुलेट कर दी जाए। इस फ्रेगरेंस को बनाने की इंस्पिरेशन और आइडिया एवेंटस एब्सोल्यू से लिया गया है, मगर ये फ्रेगरेंस उसका एग्जैक्ट क्लोन बिल्कुल नहीं है। और बाकी की पाइनएप्पल बेस्ड फ्रेगरेंसेस या अपने पिछले क्लब डिनो फ्लैंकर्स की नस्बत थोड़ी सी वार्म, स्पाइसी और स्वीट है, जिसे समर के साथ साथ विंटर के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 6 से 8 स्प्रे वेयर करने पर 2 से 2.5 घंटों के करीब इसकी एक अच्छी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा एक आमलेन तक इसका सियाज है और 7 से 8 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। इस फ्रेगरेंस की प्राइस अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे तो वहाँ इसकी प्राइस 21,000 रुपए है, लेकिन अगर आप इसे किसी लोकल और ट्रस्टवर्दी सेलर से बाय करेंगे तो आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 55 ml की प्राइस 12,500 रुपए से लेकर 13,000 रुपए के बीच मिलेगी। और अगर इस फ्रेगरेंस को एक नाम देना हो तो मैं लग्जूरियस एब्सोल्यू नाम दूंगा।
इसे रेटिंग दे रहते हैं। सन प्रोफाइल को मैं दूंगा 10 out of 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 10 out of 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 out of 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 out of 10 और प्राइस को मैं दूंगा 7 out of 10। सो फिलहाल तो अरमाफ इस न्यू रिलीज को प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी अडॉप्ट करके काफी महंगा सेल कर रही है, जैसा कि क्लब डिनोए अनटोल्ड और क्लब डिनोए आइकॉनिक के साथ हुआ था कि मार्केट में लॉन्च होते ही वो फ्रेग्रेंस कंपनी की तरफ से प्राइस स्कीमिंग और न्यू रिलीज को मार्केट में लाकर सेलर्स और इंपोर्टर्स ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। और ये बात मैंने हवस ब्लैक बाय रसासी की रिलीज से बहुत पहले हवस आइस के रिव्यू में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कि जब भी कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पुरानी प्रोडक्ट की प्राइसेस कम कर देती है और न्यू प्रोडक्ट को प्राइस स्कीमिंग यानी कि हाई प्राइस पे सेल करती है। इवन के कई बार ऐसा भी होता है कि एक न्यू लॉन्च को सक्सेस देने के लिए कंपनीज अपनी पुरानी प्रोडक्ट या फ्रेग्रेंसेस को जानबूझकर वीक बना देती हैं और पुराने के मुकाबले में न्यू को स्ट्रांग और पावरफुल बनाकर ज्यादा प्राइस डिसाइड करती हैं, चाहे पुरानी प्रोडक्ट या फ्रेग्रेंस बेस्ट सेलर क्यों ना हो। और इस तरह करने से उन्हें किसी सूरत लॉस नहीं बल्कि एक्सट्रीम प्रॉफिट गेन होता है, जैसा कि 9 PM, 9 PM डाइव और अब 9 PM रिबेल की एग्जांपल आपके सामने है। सो अब बात कर लेते हैं इस फ्रेग्रेंस की। सो मेरे ख्याल से कंपनी ने इसके बॉक्स और पैकिंग पर खामखा की डिटेलिंग्स दी हैं, क्योंकि जब भी आप कोई फ्रेग्रेंस बाय करते हैं तो उसे अनबॉक्स करने और बॉटल को अपने कलेक्शन में रखने के बाद शायद ही कभी बॉक्स को दोबारा उठाकर देखते होंगे। सो मेरे जैसा एक आम आदमी यही एनालिसिस करेगा कि अगर कंपनी चाहती तो इसके बॉक्स को सिंपल और ईजी रखकर इसकी प्राइस कम भी तो रख सकती थी, तो इतनी सी बात आखिर इतनी बड़ी कंपनी की समझ में क्यों नहीं आई। सो एक फ्रेग्रेंस कंपनी जो कि मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस में डील कर रही है, वो दो बात बहुत अच्छे से जानती है। नंबर एक, जो हर परफ्यूम यूजर या परफ्यूम लवर बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि फ्रेग्रेंसेस लग्जरीज में आता है, नेसेसिटीज में नहीं। और वही इंसान इनका शौक जारी रख सकता है जो प्राइस के बजाय लग्जरी को इम्पोर्टेंस दे। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नया नाम दे के लॉन्च किया जाता तो एन मुमकिन था कि ये फ्रेग्रेंस सक्सेसफुल या फेल हो सकती थी और वो हाइप भी ना बना पाती जो इस फ्रेग्रेंस ने बना रखी है। सो अगर तो आप इस फ्रेग्रेंस का बेस्ट और चीप अल्टरनेट चाहते हैं तो ब्लू लेवन स्पोर्ट 60-70% इसके सेंट प्रोफाइल से सिमिलर है और परफॉर्मेंस वाइज भी दोनों इक्वल हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।